कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन 65 टाइप ऑफ प्लांट्स के अंतर्गत वेंटिलेशन प्लान, जॉइंट सर्वे प्लान, जियोलॉजिकल प्लान, वाटर डेंजर प्लान तथा दूसरे प्लांट्स और उन प्लांट्स में दर्शाई जाने वाली आवश्यक जानकारियां जो सारे प्लान के लिए ज़रूरी हैं, ये सारी बातें और उसके प्रोविजंस, ये सब बातें जो हैं हम आज के वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। आइए शुरू करते हैं माइनिंग क्लासरूम विद तुलसीदास विश्वकर्मा के अंतर्गत आज का वीडियो। वेंटिलेशन प्लान एंड सेक्शंस डे पॉइंट, जहां भी आवश्यकता हो ऐसे प्लान बनाए जाएंगे। वेंटिलेशन प्लान खान का वेंटिलेशन सिस्टम दिखाएगा, विशेष रूप से पहला पॉइंट जनरल डायरेक्शन ऑफ एयर, हवा के बहने की सामान्य दिशा। दूसरा पॉइंट प्रत्येक ऐसा स्थान जहां पर हवा की क्वांटिटी को नापा जाता है। तीसरा पॉइंट प्रत्येक एयर क्रॉसिंग, वेंटिलेशन डोर, स्टॉपिंग्स और प्रत्येक मुख्य संरचना जो कि हवा को रेगुलेट करने और डिस्ट्रीब्यूट करने, हवा के नियंत्रण और वितरण में काम आता है। चौथा पॉइंट प्रत्येक फायर स्टॉपिंग और उसका नंबर। पांचवा पॉइंट प्रत्येक कमरा या स्टोर जिसमें ज्वलनशील पदार्थ रखे जाते हैं। छठवां पॉइंट फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स की पोजीशंस या उसकी लोकेशन। सातवां पॉइंट प्रत्येक वाटर डैम, पानी का बांध, उसके पूरे डायमेंशन और उसके कंस्ट्रक्शन के डिटेल के साथ। आठवां पॉइंट प्रत्येक पंपिंग, टेलीफोन, एम्बुलेंस या फर्स्ट एड स्टेशन। नौवां पॉइंट प्रत्येक हालेज और ट्रेलिंग रोडवे। दसवां पॉइंट प्रत्येक ऑक्सिलरी या बूस्टर फैन, प्रत्येक स्टोरेस्ट बैरियर। ये सारे फीचर्स वेंटिलेशन प्लान में दर्शाए जाएंगे, बताए जाएंगे। ई पॉइंट जॉइंट सर्वे प्लान भी बनाया जाएगा, जिसमें इस रेगुलेशन के सब रेगुलेशन के क्लास बी तथा सब सेक्शन 6 और 7 में बताए गए सारे डिटेल्स रहेंगे तथा सर्वेयर और मैनेजर के सिग्नेचर के साथ साथ बगल वाली एडजॉइनिंग माइन हमारे वर्किंग्स के 60 मीटर के भीतर खान की सीमा अगर साझा करती है साथ वाली माइन के साथ, या कॉमन बाउंड्री है, या एडजॉइनिंग माइन के साथ आपका कोई सीमा विवाद है, बाउंड्री डिस्प्यूटेड है, ऐसे विवादित क्षेत्र की साझा सीमा की का जॉइंट सर्वे प्लान जिसमें दोनों खान की वर्किंग्स दिखाई जाएगी, ऐसा जॉइंट सर्वे प्लान बनाया जाएगा। एफ पॉइंट जियोलॉजिकल प्लान ऑफ द एरिया ऑफ द लीजहोल्ड बनाया जाएगा। जियोलॉजिकल प्लान अपने सारे लीजहोल्ड एरिया का सूटेबल स्केल पर, जो स्केल आपको सूट करता है उस स्केल पर जियोलॉजिकल प्लान बनाकर रखा जाएगा। जी पॉइंट वाटर डेंजर प्लान एंड सेक्शंस भी बनाया जाएगा। उस प्लान में सबसे पहला पॉइंट नाला, रिवर, लेक, वाटर पॉन्ड, वाटर कोर्स, जल के स्रोत, पानी के स्रोत, ड्रेनेज सिस्टम, पानी को निकालने का सिस्टम और सारे पानी से भरे वाले क्षेत्र, सरफेस और अंडरग्राउंड के अपनी खान की सीमा के अंदर के 200 मीटर के दूर तक के जो जितने भी क्षेत्र हैं पानी वाले, सारे के सारे वाटर डेंजर प्लान में दिखाए जाएंगे। दूसरा पॉइंट अंडरग्राउंड वर्किंग्स की
पोजिशन, जिसमें प्रत्येक बोर होल, एवरी बोर होल सॉफ्ट गहराई के साथ, डेप्थ के साथ, सॉफ्ट विद डेप्थ, और हर एक ड्राइवेज और क्रॉस कट, स्टेबल पिट और कोई भी एक्सकेवेशन, और उनसे जुड़े सारे एयर पैसेजेस। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, जैसे कि फॉल्ट टाइप विथ अमाउंट ऑफ थ्रो एंड हेड, उसके हेड और थ्रो के साथ दिखाए जाएंगे। चौथा पॉइंट, सेक्शन प्लान बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में आसानी से पहचाने जाने वाले, आइडेंटिफाई किए जाने वाले पॉइंट्स पर पर्याप्त संख्या में लेवल्स की गणना की जाएगी, लेवल्स की रीडिंग ली जाएगी। सारे ड्राइवेज, मेन हेडिंग्स और हालेज रोडवे पर ऐसे सारे लेवल्स की गणना की जाएगी। माइन की सीमा से 60 मीटर की दूरी किसी भी प्लेन में या किसी भी डायरेक्शन में नापने पर, 60 मीटर किसी डायरेक्शन में भी, मौजूद अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट खान के पानी के सोर्स, 60 मीटर के सारे पानी के सोर्स, रिवर, स्ट्रीम, वाटर सोर्सेस, वाटर कोर्स, सॉरी, रिजर्वायर, वाटर लॉक्ड ओपन कास्ट वर्किंग्स और सरफेस की ओपन कास्ट वर्किंग, वाटर लॉक्ड और उसी की आउटलाइन, अंडरग्राउंड माइन की सारी वाटर लॉक्ड वर्किंग्स भी दिखाई जाएगी। छठवां पॉइंट, प्रत्येक पानी को इकट्ठा करने वाले पानी, वाटर रिजर्वायर या डैम, चाहे सरफेस में हो या अंडरग्राउंड में हो, उनके सारे स्पेसिफिकेशन और डिटेल्स, बनावट के सारे स्पेसिफिकेशन डिटेल्स के साथ साथ नक्शे में दिखाए जाएंगे। सातवां पॉइंट, उस एरिया का हाईएस्ट फ्लड लेवल HFL भी दिखाया जाएगा। दूसरा पॉइंट, हर एक सीम के अलग अलग प्लान और हर एक सीम के, हर सेक्शन के अलग अलग प्लान, जो कि सब रेगुलेशन वन के बी सी डी और ई सब क्लास के अंतर्गत बनाए जाने हैं, बनाकर रखे जाएंगे, परंतु खान के सब रेगुलेशन वन की क्लास बी के अंतर्गत प्लान में सारी सीम जो 9 मीटर के अंतर्गत स्थित है, एक दूसरे से 9 मीटर के अंतर्गत एक दूसरे से स्थित हैं, ऐसी स्थिति में कंबाइंड प्लान भी बनाकर रखे जाएंगे। अगर दो सीम 9 मीटर के अंतर्गत हैं तो उनकी ऐसी कंडीशन में 9 मीटर की स्थिति में कंबाइंड प्लान बनाकर रखे जाएंगे, और हर एक सीम और हर एक सेक्शन को अलग अलग रंग से दिखाया जाएगा, शो किया जाएगा। तीसरा पॉइंट, सब रेगुलेशन वन की क्लास ए बी सी डी ई एफ और जी के तरीके से बनाए हुए सारे प्लान पर सरफेस कंट्रोल लाइन कम से कम 5 या 10 मीटर के वर्टिकल इंटरवल पर भी दिखाई जाएगी, परंतु जिस स्थान पर अंडरग्राउंड माइन नहीं है या अंडरग्राउंड की माइनिंग, अंडरग्राउंड माइन में वर्किंग नहीं हुई है, या ऐसी माइन कोई पहाड़ी क्षेत्र में है, वहाँ पर वर्किंग्स के 200 मीटर के क्षेत्र पर रीजनल इंस्पेक्टर अपनी लिखित आदेश के द्वारा कुछ शर्तों के साथ कुछ अलग दूरी पर कंट्रोल लाइन की गणना या उसका कैलकुलेशन करने के लिए कह सकते हैं। हिली एरिया में, हिली टेरेन, या जहाँ पर वर्किंग नहीं हुई अंडरग्राउंड,
ऐसी ऐसी उसमें। चौथा पॉइंट, सब रेगुलेशन वन के क्लास बी के अंतर्गत बनाए गए प्लान्स पर वर्किंग्स में स्पॉट लेवल्स भी दिखाए जाएंगे। ए पॉइंट, स्पॉट लेवल सारे हालेज रोडवे और अन्य सभी रोडवे के जंक्शंस पर, परंतु ऐसे स्थान जहां पर हैंड ट्रामिंग या मैनुअल ट्रामिंग की जाती है, ऐसे स्थान पर स्पॉट लेवल 150 मीटर 150 मीटर से अधिक दूरी पर नहीं लिए जाएंगे। बी पॉइंट, किसी भी टेम्परेरी या परमानेंटली या डिसकंटिन्यू हुई हेडिंग के आखिरी स्थान पर स्पॉट लेवल की गणना की जाएगी, परंतु अगर दो ड्रिफ्ट कोयले में या स्टोन में बनी हैं और वे आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो प्लान में उन्हें स्पेशल या एप्रोप्रिएट नोटिंग के साथ दिखाया जाएगा, अगर ऐसा करना जरूरी है तो। पांचवा पॉइंट, सरफेस पर एक परमानेंट बेंचमार्क स्थायी और मजबूत रूप से बनाकर रखा जाएगा और उसी पॉइंट से, उसी बेंचमार्क से सारे लेवल्स की गणना की जाएगी, सारे लेवल्स की रीडिंग ली जाएगी और उस बेंचमार्क का MSL मीन सी लेवल से हाइट और दूसरी जानकारियां इन रेगुलेशन के अंतर्गत बनाए जाने वाले प्लान्स में दिखाई जाएगी। छठवा पॉइंट, सब रेगुलेशन वन के क्लास ABC AB के अंतर्गत बनने वाले प्लान माइन की सेटल्ड बाउंड्री भी दिखाई जाएगी। अगर कहीं बाउंड्री डिस्प्यूटेड है तो बाउंड्री का डिस्प्यूटेड हिस्सा जो बगल वाली माइन के साथ शेयर होता है या उनके ओनर ने उसे क्लेम किया है कि वह भी दिखाया जाएगा। परंतु अगर खान का पूरा लीज होल्ड एरिया एक ही प्लान या एक ही नक्शे पर दिखा पाना अगर संभव नहीं है तो एडिशनल या अतिरिक्त या अलग से की प्लान किसी भी सुइटेबल स्केल पर बनाकर जिसमें पूरी की पूरी बाउंड्री अगर वर्किंग है तो वर्किंग भी दिखाई गई हो के बनाकर रखा जा सकता है। सातवां पॉइंट, सब रेगुलेशन वन के क्लास बी के अंतर्गत दिखाए जाने वाले फीचर के साथ साथ सरफेस और अंडरग्राउंड के 60 मीटर के अंतर्गत किसी भी डायरेक्शन में नापने पर 60 मीटर पर पड़ने वाले सारे फीचर भी दिखाए जाएंगे। आठवां पॉइंट, माइन का ओनर, एजेंट और मैनेजर अपने खान की सेटल्ड बाउंड्री या सेटल्ड सीमा से 60 मीटर लगी हुई एडजॉइनिंग माइन की सीमा के अंतर्गत कोई अगर वर्किंग को एक्सटेंड करता है या डिस्प्यूटेड एरिया में एक्सटेंड करता है तो उस माइन के बगल वाली माइन के साथ वाली माइन के ओनर, एजेंट और मैनेजर को इस बारे में इन्फॉर्म करेगा, सूचना देगा और उस माइन के सर्वेयर को लेवलिंग की गणना करने के लिए इस रेगुलेशन में बताया गया है, उस सर्वेयर को सारी रीजनेबल फैसिलिटीज सुविधाएं प्रदान करेगा। नौवा पॉइंट, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस अपने लिखित आदेश के द्वारा, पहला पॉइंट,
इस रेगुलेशन में बताए गए सारे डिटेल्स के अलावा कुछ एडिशनल डिटेल्स या कोई और प्लान या कोई और सेक्शन को अलग स्केल से, अलग तरीके से, निश्चित समय सीमा के अंतर्गत बनाने के लिए और बनाकर रखने के लिए कह सकते हैं। दूसरा, अपने आदेश में रीजनल इंस्पेक्टर ने एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत ओनर, एजेंट और मैनेजर को प्लान, सेक्शन और ट्रेसिंग को जमा करने के लिए भी कह सकते हैं। रीजनल इंस्पेक्टर ओनर, एजेंट और मैनेजर को किसी भी प्लान या सेक्शन पर वर्कशीट्स की पोजीशन दिखाने को भी कह सकते हैं। तो टाइप ऑफ प्लान्स का जो रेगुलेशन 65 है वो समाप्त हो गया है। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो इसे और लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत धन्यवाद आपका।